हाय, बहुत दिन बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। माफ कीजिएगा, पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं डाल पाया। इट्स जस्ट आई हैड एन इवेंट टू अटेंड टू एंड मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था। चलो, अब जब आ ही गए तो आज बात करते हैं एक बहुत उमदा और भारी मुद्दे पर, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की जब बात आती है तो मैंने अक्सर यही देखा है कि ये बोला जाता है कि एक मर्द को क्या करना चाहिए, जो कि सही है, जायज है। पर मैं आज ये बताना चाहता हूँ, व्हाट इज इन फेमिनिज्म फॉर गर्ल्स टू डू, फॉर लेडीज टू डू। और हाँ, बताने से पहले लेट मी टेल यू दैट दिस इज वे टू बिग ऑफ अ स्पेक्ट्रम विद सो मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स एंड आई एम स्टिकिंग टू दिस वन पर्टिकुलर element, and that is compassion. The thing is, girls are very 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 compassionate by nature. और होना भी चाहिए। ममता जो एक शब्द है वो हम सिर्फ माँ से या फिर किसी औरत से जोड़ सकते हैं, किसी मर्द से नहीं जोड़ सकते। कुदरत ने ऐसा बनाया है उनको compassionate. This is one of the greatest qualities. But the problem is that compassionate people feel most of the situations or emotions discreetly, hence they act compulsively. पता चल रहा है कहाँ जा रहे हैं? Compassion, compulsiveness, indecisiveness. So on a bigger scale, if you think what is feminism for girls, I think the answer is to regulate compassion. अभी क्या होगा, कुछ लोग किसी के बारे में सोचेंगे, कोई आंटी या फिर उनकी माँ या फिर ग्रैंड माँ, उनके बारे में सोचेंगे और ये बोलेंगे कि वो तो क्या मस्त डिसीजन लेते हैं, यू आर रॉन्ग। एंड आई एम लाइक, वो तो ठीक है, बट आर यू लाइक देम? आर यू टेकिंग डिसीजंस बाय योरसेल्फ एंड स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ? आर यू लाइक द लेडीज यू आर थिंकिंग ऑफ? Aren't they regulating their compassion? Aren't they kind and truthless at the same time? Look at them and learn the good things. Kahan pe, kis pe, kis situation mein they are being kind and they are being ruthless? Learn. ठीक है, आज और एक बात बताना चाहूँगा मैं। ऐसे ही long time ago, one of my school friends talked about how my videos are more focused on the feelings, emotions and heartbreak stories of only boys. And maybe your implication was that knowingly or unknowingly, I might be assigning a certain gender to heartbreaks or other things, other mistakes. Hence the question, am I a fake feminist? Now at first I'm like, she's wrong. But that's not me talking, that's my ego talking. Since I have started to acknowledge the power of our minds, maine phir se socha, शायद सबकॉन्शियसली मैं वो कर रहा हूँ जो वो बोल रही है। सो द इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी डन, आई हैड टू डिग डीपर। तो फिर मैंने अपनी सारी वीडियोस देख डाली एंड नाउ आई एम प्राउड टू से दैट चाहे हार्ट ब्रेक हो या फिर कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो, मैंने उसको कभी एक पर्टिकुलर जेंडर को दिमाग में रखे हुए कोई भी वीडियो नहीं बनाई। There is a clip from the show मेरे पास तुम हो, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी है जो मर्दों की बेवफाई के बारे में बात करते हैं। पर देखा जाए तो that entire show is all about the बेवफाई of a lady. So my idea is to show you the clips या movie जो available है, actor बोल रहा है या फिर actress बोल रही है, उस पर कभी मेरा focus गया ही नहीं। क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या मैसेज है, मेरा फोकस उस पे है। और आप लोग भी समझ रहे हो ना, आप लोग भी उस तरह से देखे, एक्टर बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, वैसा कभी मत देखिए, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आई डोंट प्ले माइंड गेम्स बिकॉज माइंड गेम्स आर नॉट गुड फॉर द हार्ट। माइंड गेम्स आर फॉर कावर्ड्स, फॉर द वीक, एंड आई एम नो वीक।
Hence, I can truly say, इन सब चीजों के ऊपर जो भी बोलूंगा जब भी बोलूंगा यही बोलूंगा. एंड इफ एनीवन, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्कूल फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं, आई एम टॉकिंग इन जनरल. इफ एनीवन इज वॉचिंग माई कॉन्टेंट विथ एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस और प्रीकंसेप्शन, स्टॉप इट. अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियोस अपने फायदे के लिए बना रहा हूं, तो वो फायदा देना बंद कर दो. जिस जिस रास्ते से तुम मुझे फायदा दे सकते हो वो सारे रास्ते बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन, एक्सेप्ट फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, वॉचिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, आप बस अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सुखी रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you for everything.